हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँ। ये वीडियो जो है कर्नाटका फॉरेस्ट गार्ड, जी हाँ, कर्नाटका फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, कर्नाटक फॉरेस्ट गार्ड में आप लोगों की जो है फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली हुई, जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड की आप लोगों की जो है 339 वैकेंसी निकली हुई है, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो क्या है इसकी ऑनलाइन अप्लाई की डेट, तो मैं आप लोगों को बता दूं तो 16 मार्च से इसके ऑनलाइन अप्लाई होने हैं, जो कि आप लोग के 15 अप्रैल तक चलने वाले हैं, ठीक है। और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो ओनली और ओनली 12th पास होने चाहिए आप लोग। और इसके अलावा जो एज है, एज में मैं आप लोग को बता दूं, एज बहुत ही अच्छी है इसकी, जो 18 से 35 साल इसकी एज रखी गई है। और एज में आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसा कि SC ST OBC को दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो आप लोग का जो सिलेक्शन होने वाला है, वो इसमें आप लोग को रिटर्न मेडिकल और फिटनेस, यानी कि आप लोग का रिटर्न और फिजिकल के बेस पे आप लोग का इसमें सिलेक्शन होगा। और इस पूरी जानकारी मैं आप लोग को देगी, आप लोग जैसे ही इसकी वेबसाइट पे आएंगे, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, 2019-20। आप लोग इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आप लोग का जो है नोटिफिकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है आप लोग ऑल ओवर इंडिया से हैं तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट आप लोगों को कन्नड़ बोलना और लिखना आना चाहिए। जी हाँ, इसमें आप लोगों को कन्नड़ बोलना और लिखना आप लोग को आना चाहिए, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपकी टोटल जो है 339 वैकेंसी है, जी हाँ 339 वैकेंसी है, जिसमें की 12 वैकेंसी आप लोग की बैकलॉग के थ्रू भरी जाएगी। तो ये है इसकी डिटेल, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। यदि आप ओनली और ओनली 12th पास हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 16 मार्च से इसके ऑनलाइन अप्लाई शुरू होंगे, ठीक है। तो यदि आप लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो 16 मार्च तक, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। यदि आप लोगों को भी कन्नड़ बोलना और लिखना आती है, ठीक है, क्योंकि यदि आप लोग अदर स्टेट से हैं तो आप लोग को कन्नड़ बोलना और लिखना आना चाहिए, और यदि आप लोग कर्नाटक के हैं तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को वीडियो बना के दे दूंगा जैसे ही इसका ऑनलाइन अप्लाई शुरू होगा। बाकी डिटेल आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, किस पॉजिटिव किस एरिया में कहाँ पे आप लोगों की कितनी वैकेंसी है, सारी की सारी जो वैकेंसी इसमें शो हो रही है, आप लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एज वगैरह भी आप लोग इसमें देख लेंगे, एज सभी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग 18 से 35 साल आप लोग की एज है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जी हाँ, यदि आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग को जो है इसमें आप लोग को बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आप लोग को जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि SC ST OBC को जो रिजर्वेशन होता है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लोग जो जनरल में काउंट होंगे और जनरल वाली कैटेगरी में, यानी कि 18 से 35 साल वाली आप लोग कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और बाकी आप लोगों के जो इसमें सिलेक्शन के बारे में मैंने आप लोग बता दिया, रिटर्न और मेडिकल, रिटर्न के बाद आप लोग का मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोग का फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो है आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है साफ साफ 12th स्टैंडर्ड पास, ठीक है, ओनली और एनली 2nd PUC या फिर 12th स्टैंडर्ड पास है आप लोग, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप लोग को जो यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में आप लोगों का जो चीजें पूछी जाएंगी, जनरल नॉलेज, ठीक है, आपको जनरल नॉलेज और मैथमेटिक, ठीक है, जनरल मैथमेटिक और जनरल नॉलेज आप लोग की आने वाली, मैथमेटिक जो है आप लोग की 12th स्टैंडर्ड की आएगी, और जो जनरल नॉलेज है उसमें आप लोग की हिस्ट्री आएगी, ठीक है, हिस्ट्री आएगी, इंडियन मूवमेंट आएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स के बारे में, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, करंट अफेयर भी आप लोग का इसमें आएगा, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जो रिटर्न एग्जाम होगा वो आप लोग का रिटर्न एग्जाम में मैथमेटिक और जनरल नॉलेज आने वाली है ओनली, ठीक है, जिसमें से कि 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आएंगे और 60 क्वेश्चन आप लोग के जनरल नॉलेज के आएंगे, यानी कि आप लोग के 100 क्वेश्चंस टोटल इसमें आएंगे आप लोग के रिटेन एग्जाम में। तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे पूरी डिटेल को, और इस पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा, यदि आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना हो तो ऑनलाइन अप्लाई करना मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसके बाद जो आप लोगों को फिजिकल है, फिजिकल में मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, जैसे कि कलर विजन वगैरह, यदि आप लोग कुछ प्रॉब्लम है तो इसमें आप लोग किस तरीके से कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है, सारी डिटेल है, आप लोग इसमें पढ़िएगा। इसमें आप लोग फिजिकल देख सकते हैं, जो 150 जो है अपनी जेंट्स के लिए और 145 जो है आप लोग की, यानी कि फीमेल के लिए यहाँ पे जो हाइट रखी गई है, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है कि कर्नाटक फॉरेस्ट गार्ड में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, आप लोग इसके लिए अप्लाई
कीजिए, जरूर कीजिए। यदि आप लोग कर्नाटक से हैं, और यदि आप लोग कर्नाटक से नहीं हैं तो भी, और आप लोगों को कन्नड़ कन्नड़ बोलना आती है या लिखना आती है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कीजिए। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो के टाइम। बट उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाले बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप लोग के पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ओके फ्रेंड, बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।